Hello students, welcome back. This video is reasoning video, class 1st, chapter number 10, analogy, and sir lecture number 10. In this video our subtopic is analogy. So let's see what is analogy. First of all, let me explain you that analogy means similarity in this type of questions. Two objects related in some way are given and third object is also given with four or five alternative. Means to say similarity, analogy basically similarity से जुड़ा हुआ होता है. इस type के questions में क्या होता है, आपके पास two जो objects होते हैं वो आपस में किसी ना किसी relation से connect होते हैं. Okay, फिर उसके बाद एक थर्ड ऑब्जेक्ट दिया होता है और उसके अल्टरनेट्स दिए होते हैं, मींस उसके ऑप्शन. तो जो रिलेशन फर्स्ट और सेकंड के बीच में है वही थर्ड और फोर्थ में होता है. सेम रिलेशन यू हैव टू फाइंड आउट. जो रिलेशन आपने फर्स्ट और सेकंड में फाइंड आउट किया है सेम रिलेशन ही थर्ड और फोर्थ में होता है. सो यू हैव टू फाइंड आउट दैट रिलेशन अमंग द गिवन अल्टरनेटिव्स. You have to find out which one of the alternatives bear the same relation. आपको ये देखना है कि कौन सा जो alternate जो option है वो exactly fit होता है आपके question के साथ, with the third object, third वाले के साथ, as first and second object are related. जैसे first और second आपस में connected होते हैं, तो जैसे first और second connected होते हैं वैसे ही third और fourth connect होता है. आपको fourth फाइंड आउट करना होता है. थर्ड के साथ फोर्थ का क्या रिलेशन होगा, यू हैव टू फाइंड दैट आउट. ओके स्टूडेंट्स, लेट्स हैव एन एग्जांपल. फिश, वाटर एंड रिमेंबर. थर्ड से पहले आपके पास ऐसे टू टू करके डॉट्स होते हैं. ओके, यहाँ पे हमारे पास वन होता है, यहाँ पे टू, मींस यहाँ से नया स्टार्ट हो गया. इन दोनों में जो रिलेशन होगा वही इसमें और क्वेश्चन वाले प्लेस पर जो थिंग होगा उसके बीच में रिलेशन होगा. अल्टरनेट्स आर गिवन हियर. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल फिश, देन वाटर, बर्ड्स एंड डैश. तो जो फिश और वाटर के बीच में जो रिलेशन है वही बर्ड्स और आपको फाइंड आउट करना है किसमें. तो फिश का वाटर के साथ क्या रिलेशन होता है कि फिश वाटर में रहती है, इट्स देयर इट्स हैबिटेट. ओके, वो उसकी रहने की जगह है. फिश वाटर में रहती है तो बर्ड्स कहाँ रहते हैं, ऑप्शन ए स्काई में, फॉरेस्ट में, ऑप्शन सी रोड पर, ऑप्शन डी वॉटर. हियर इज द ऑप्शन डी, इट्स ऑप्शन डी. ओके, सो किसमें, फिश जैसे ही फिश वाटर में रहती है ऐसे बर्ड्स कहाँ रहते हैं, स्काई में, फॉरेस्ट में, रोड पे कि वाटर में. यस, स्काई में. फॉरेस्ट इज ऑल्सो बट नॉट ऑल द बर्ड्स लिव इन द फॉरेस्ट. बेसिकली फॉरेस्ट इज नोन फॉर द एनिमल्स एंड फ्लाइंग एनिमल्स मीन्स बर्ड्स के लिए फॉरेस्ट नहीं, sky is the suitable answer. okay, so जैसे fish water में रहती है ऐसे birds कहाँ रहते हैं, sky. so option A is right. let's have the solution. yes, fish water. as fish lives in water, here alternatives for fish is given water. similarly, birds fly in the sky. therefore, the correct answer is A. sky. so we can say birds live in sky or the habitat of birds is sky. okay, so fish is related to water. as for living, similarly birds are related to sky. have you got that? okay, now your homework is question number 1, apple, grapes, orange, डैश. यू हैव टू फाइंड आउट कि एप्पल, ग्रेप्स, ऑरेंजेस आर
नंबर टू आईज नोज ईयर, फोर्थ वन यू हैव टू फाइंड रूट स्टैम ब्रांच एंड ड्रेस बॉडी. अब आपने इसमें रिलेशन फाइंड आउट करना है. इन तीन में आपने क्या करना है कि इनकी जैसा सिमिलर फाइंड आउट करना है. मीन्स ये तीनों किस कैटेगरी में होते हैं, वेजिटेबल फ्रूट्स स्टैम और प्लांट्स. आइज नोज ईयर किस कैटेगरी में होंगे, सिमिलरली रूट स्टैम और ब्रांच किस कैटेगरी में होते हैं. देन हियर वी हैव टू फाइंड द रिलेशन ड्रेस बॉडी. ड्रेस को बॉडी पे पहनते हैं तो बैंगल्स को कहाँ पहनते हैं. टेबल वुड, टेबल इज मेड अप ऑफ वुड. ऐसे ही शर्ट किस चीज की बनी होती है. नाउ हियर वी हैव होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ चैप्टर नंबर 9. दैट वाज पजल ब्लड रिलेशन एंड लेक्चर नंबर 9. हियर फर्स्ट क्वेश्चन वाज इफ ए इज द फादर ऑफ बी, हाउ इज बी लिंक्ड टू ए. अगर ए बी का फादर है तो बी ए का क्या हुआ. देयरफॉर बी इज लिंक्ड टू ए एज फादर सन. द आंसर इज सी, फादर सन. अगर ए बी का पापा है तो बी ए का क्या लगेगा. ए बी के पापा है तो बी ए का क्या लगता है, सन. सो द रिलेशन इज फादर सन. If Karan is brother of Isha, अगर करण ईशा का ब्रदर है, how they are related? अगर करण ईशा का ब्रदर है, करण ईशा का भाई है, तो ईशा करण की क्या लगेगी, इट्स अ सिंपल सिस्टर. सो द रिलेशन इज ऑफ ब्रदर सिस्टर. Therefore, Karan and Isha are related as brother and sister. And the answer is A, brother, sister. If A is the son of C, अगर A C का son है and B is the daughter of C, और B C की daughter है, तो A और B में क्या relation होगा, brother and sister का. अगर ये दोनों इनके बेटा और बेटी है तो इन दोनों में क्या relation होगा, brother and sister. Therefore, A and B are related as brother and sister. And their answer is D, brother, sister. If Z has four sons named A, B, C and D, how A, B, C and D are linked with each other? Agar A, B, C, D, Z ke son hai, sons hai, to A, B, C, D आपस में कैसे लिंक हुए, ब्रदर्स. इट्स वेरी सिंपल. देयरफॉर ए बी सी एंड डी आर लिंक्ड विद ईच अदर एज ब्रदर्स एंड द आंसर इज बी, ब्रदर्स. ओके, नेक्स्ट इज इफ ए हैज टू सन्स बी एंड सी, हाउ बी एंड सी आर लिंक्ड. अगर ए के दो बेटे हैं बी और सी, तो वो दोनों आपस में कैसे लिंक होंगे, ब्रदर, ब्रदर्स होंगे. बी एंड सी आर ब्रदर्स, देयरफॉर बी एंड सी आर लिंक्ड एज ब्रदर्स एंड द आंसर इज बी, ब्रदर्स. सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव डन, यू हैव टू सबमिट द होमवर्क सॉल्यूशन ऑफ लेक्चर 10 टू योर रीजनिंग टीचर एट हर मेल आईडी. टिल द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर.